नमस्ते, मैं रजत। आज के वीडियो में मैं आपको पौंडीचेरी में घूमने लायक 10 सबसे बेहतर जगह के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट, बोटैनिकल गार्डन। यहाँ पर आके आप खुद को प्रकृति के करीब महसूस करेंगे। यहाँ पे बड़े बड़े विशाल पेड़ों के साथ साथ खूबसूरत फूलों का बागान भी है। यहाँ के एक्वेरियम में आप मछलियों के हरकतों का आनंद लेंगे एवं बच्चों के लिए यहाँ पे पार्क भी है। सेकेंड, प्रोमिनेड या रॉक बीच। यहाँ पर आप समुद्री हवाओं एवं लहरों का घंटों आनंद ले सकते हैं। यहीं पे आपको महात्मा गांधी का खूबसूरत स्टैचू दिख जाएगा। थर्ड, ओरोविले। ओरोविले में प्रवेश से मातृ मंदिर तक का प्राकृतिक सफर आप पैदल ही तय करें। यहाँ पे बस की भी व्यवस्था है, लेकिन पैदल आप ज़्यादा आनंद ले पाएंगे। और यहाँ पे सुनहरे रंग का मातृ मंदिर आपके मस्तिष्क में एक छाप छोड़ जाएगा। फोर्थ, श्री औरविंदो आश्रम। व्हाइट टाउन में स्थित औरविंदो जी का ये निवास स्थान बहुत ही खूबसूरत है, और जब आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ की शांति आपको समय के बंधन से मुक्त कर देगी। फिफ्थ, बेसिलिका ऑफ सीक्रेट हार्ट ऑफ जीसस। यह चर्च बहुत ही खूबसूरत है और आप यहाँ के शाम के प्रार्थना में जरूर भाग लें। सिक्स, अरुलमिगु मनकुला विनयगर मंदिर। यहाँ पर आपको गणेश जी की अनेकों प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। सेवेंथ, भारती पार्क या आई मंडपम। शहर के बीच में निर्मित यह पार्क अपनी सुंदर संरचना के लिए टूरिस्ट स्पॉट है। एट, फ्रेंच वॉर मेमोरियल। शहीद जवानों को समर्पित यह मेमोरियल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसके अंदर जाना सख्त मना है। नाइन्थ, इमैकुलेट कंसेप्शन कैथेड्रल। यह चर्च पौंडीचेरी के पुराने चर्चों में से एक होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत है। टेंथ, ओरिका मेदु। पुरातत्व विभाग के अंतर्गत यह स्थल पौंडीचेरी शहर से बाहर है, जिसके कारण यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि सबसे बेहतर क्या लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल अभी नया है तो वीडियो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसे ग्रो करने में बहुत मदद मिलेगी।